हाजिरों की सीबीआई रिमांड में भेजा, राउच एवेन्यू कोर्ट ने दिया। इनकम टैक्स में 9 बड़े अफसरों का तबादला, रमेश नारायण पर्वत डीजी इन्वेस्टिगेशन लखनऊ बने। गुजरात का प्याज खरीदेंगे भगवंत मान, कहा किसानों को नहीं होने दूंगा परेशान। प्रयागराज एनकाउंटर पर बोले प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, कहा हमारी सरकार कानून व्यवस्था पर सख्त, माफियाओं की खैर नहीं। बद्रीनाथ और हेमकुंड में हुई बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में आंधी के साथ बारिश से गिरा तापमान। फरवरी का दिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा के इतिहास में दर्ज हो गया है। पूरे देश ने सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का वो रूप जो किसी भी सीएम का शायद ही देखा हो। अखिलेश यादव ने प्रयागराज हत्याकांड का मुद्दा उठाया, इसके बाद सीएम योगी ने ऐसा बयान दिया कि नेता प्रतिपक्ष की बोलती ही बंद हो गई। ऐसा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। शूटिंग हो रही है दिन दहाड़े, गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या करी उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम हो रहे हैं, और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर, कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है, और उसकी कमर मत तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं है इसी हाल कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड मामले में ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू हो गई है। महज 2 दिनों के भीतर एक आरोपी का एनकाउंटर कर ढेर कर दिया गया। अरबाज नाम के बदमाश को पुलिस ने ढेर किया है। वहीं देवरिया से भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने सदन में मामले को लेकर कहा कि सीएम योगी ने बीते 2 दिन पहले सदन में कहा था माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, उसमें एक अपराधी को मिट्टी में मिला दिया गया है। आइए क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मिट्टी में मिला देंगे, सरकार के जरिए, सरकार किसकी है, तकलीफ में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसलिए मैंने देखा 2 दिन पूर्व जब एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना प्रयागराज में हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपना संबोधन देने आए थे, और कैसे विपक्ष के हमारे साथी उन पर टूट पड़े थे, उन पर हमलावर थे, कह रहे थे कैसे हुआ, क्या हुआ। पर तब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक शब्द कहा था, एक लाइन कही थी, ये कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा। और मीडिया के सोर्सेस से जो खबरें आ रही हैं, मैं पूरे सदन को ये बताना चाहूंगा कि उमेश पाल की हत्या में एक जो अपराधी शामिल था उसको मिट्टी में मिला दिया गया है, पुलिस ने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। वहीं अरबाज के एनकाउंटर को लेकर सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। वहीं तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। उनकी पत्नी को सहिता परवीन जी को जो केवल ज्वाइन कराया, और बहन जी का यह मानना है कि अब क्योंकि पीड़ित परिवार ने उनका भी नाम दिखाया है, वह अगर जांच में आ जा रहा है कि उनका नाम मतलब इसमें शामिल है, वो भी इन्वॉल्व है, तो बहुजन समाज पार्टी उनको पार्टी से निकाल देगी। ये बहुजन समाज पार्टी का अपना एक हमेशा का वो रहा है, उसी सिद्धांतों के आगे भी चल रहा है। प्रयागराज की इतनी बड़ी घटना हुई है और अभी तक जो नहीं कार्रवाई होना चाहिए था। अपराधियों माफियाओं को पोषित करने वाली पार्टियां हैं,
उनको शायद वो दिन भूल गया। मैं उनकी सरकार में मिनिस्टर था और आरडीएक्स बम लगा करके अपराधियों ने उड़ाने का काम किया। और जब मैं तो अचेत अवस्था में 7 दिन कोमा में रहा और अज्ञात के खिलाफ FIR लिखाई गई थी। 16 के 16 अपराधी जो उसमें निकल करके आए सब समाजवादी। उमेश पाल जो कि 2005 के राजू पाल विधायक हत्याकांड का गवाह थे, उनकी बर्बर हत्या गाड़ी सवार बदमाशों ने असलाह एवं बम इत्यादि चलाकर की थी। इस हत्याकांड में पूरे प्रदेश को दहला दिया था। सरकार की तरफ से विधानसभा के पटल पे सभी अपराधियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के का आश्वासन भी दिया गया था तथा उसी अनुरूप पुलिस को इन सभी बदमाशों को कानून के दायरे में लाने के लिए निर्देश मिले थे। इसी क्रम में आज प्रयागराज जनपद के धूमनगंज थाना क्षेत्र में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें कि उस घटना में सम्मिलित अरबाज पुत्र अफा जो कि मल्लापुर थानापुरा मुफ्ती प्रयागराज का रहने वाला है पहले घायल हुआ तथा इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल बरामद हुई है। इस पे आरोप है कि घटना के दिन जो क्रेटा गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उसका यह ड्राइवर था तथा उस दिन इसके द्वारा फायरिंग भी की गई थी। जब उपचार हेतु अस्पताल लाया गया उस दौरान जो अभी तक की प्राप्त सूचना है उसके हिसाब से इसके मृत होने की समाचार प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश शासन और उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा सभी ऐसे पेशेवर माफिया एवं गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120 बी के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे संरक्षण देंगे वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे अपील करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संरक्षण मांगे जो कि गलत व्यक्ति है तो इसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस को दें। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा स्थानीय अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में लिप्त सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए, इन पर इनाम घोषित किया जाए और इनाम की राशि विभिन्न स्तरों पर बढ़ाई जाए। अगर आवश्यक है तो मुख्यालय स्तर से भी इस पर इनाम घोषित किया जाएगा और अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति इसकी सूचना देता है तो इनाम की राशि उस प्राइवेट व्यक्ति को भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी कायम रहेगी
और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। हम योगी जी से हाथ जोड़ के नहीं कहेंगे, एक बार हमारी बहन से, हमारी बहू से मिल के मतलब उनकी क्या है और आगे की जो भी प्रक्रिया मुझे बता दें, उनको कह दें कि जो इनकी इच्छा हो उसे योगी जी ने बहुत अच्छा किया, शुरुआत किया है उन्होंने। पुलिस जो काम कर रही है योगी सरकार की, तो सबका बहुत अच्छा काम है, पुलिस की, प्रशासन की, योगी जी की, जो भी यहाँ जो दूसरे अपराधी उनके लिए उनके लिए क्या मांग कर रहे हैं योगी जी से, मुड़ा जाए इस तरह। यूपी में अगर आप अपराध करते हैं या फिर अपराध करने के बारे में सोच भी रहे तो प्रदेश सरकार आपको मिट्टी में मिला देगी। सीएम योगी का साफ साफ अभिभाषण में बयान आया कि प्रदेश सरकार किसी भी गुंडे माफिया को नहीं छोड़ेगी और ना ही बख्शेगी, उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। तो वहीं सलमान त्रिपाठी का सदन में भी बयान आया है कि अब मिट्टी में मिलना गुंडों बदमाशों का शुरू हो गया। प्रयागराज हत्याकांड में एक शूटर की गिरफ्तारी के बाद उसकी मौत और उसे इनकाउंटर की सजा अब मिट्टी में मिलाने की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल देखना यह भी दिलचस्प है कि इस संदेश के बाद गुंडों और माफियाओं में क्या कुछ प्रदेश सरकार का एक संदेश जाता है, या फिर गुंडे माफिया पिछली बार की तरह इस बार भी गायब हो जाएंगे। कैमरा मैन नीरज के साथ सागर थापा, प्राइम टीवी, लखनऊ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और इस दौरान आप कार्यकर्ताओं में जमकर आक्रोश दिखा और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करने के बाद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शराब कांड मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग जगहों पर आप आम आदमी के पार्टी कार्यकर्ताओं ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया है। सबसे पहले तस्वीर अलीगढ़ से है, वहीं दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर संभल से है, तीसरी लखनऊ से है, चौथी गाजियाबाद से और पांचवी जो है मेरठ से। वहीं आम आदमी पूरे देश भर में, आम आदमी पार्टी ने पूरे देश भर में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। आज जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, माननीय मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है और झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर, जो पूरी देश की शिक्षा अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं और जब ईडी सीबीआई बिठा के देख लिया, जब कुछ नहीं हुआ तो उनको इल्जाम में गिरफ्तार कर दिया। अगर वो बीजेपी की मसवाशी मशीन चले जाते तो शायद आज गिरफ्तारी न होती। आज पूरे प्रदेश और पूरे इंडिया में ये प्रोटेस्ट हो रहा है और इस प्रोटेस्ट में हम लोग जेल जाने को तैयार हैं। अगर सिसोदिया को नहीं छोड़ते तो हम पूरी पार्टी हमारी जेल जाएगी और ये जेल भरे, यही हमारा मेन प्रोटेस्ट है। ये धरना प्रदर्शन किया गया है और ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है और मोदी जी के साथी हैं अडानी जी, जिन पे लाखों करोड़ अरबों रुपए का घूट अडानी पे घूस का मामला चल रहा है, वो बाहर घूम रहे हैं और दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं और गरीब बच्चों को और असहाय बच्चों का शिक्षा के लिए विस्तार के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए क्या कहें, लोकतंत्र की हत्या करते हुए उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ज्ञापन दिया है जी, हमने ज्ञापन दिया है और उन्हें ये ज्ञापन के माध्यम से महामहिम के लिए ज्ञापन दिया गया है। आज हमारा जो मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई है दिल्ली में, उसको लेकर डिप्टी सीएम को, जिसने एक बेंचमार्क सेट किया है शिक्षा के क्षेत्र में, उस ईमानदार व्यक्ति को जेल में अंदर डाल दिया, उसको लेकर हमने विरोध प्रदर्शन किया है। खबर लखनऊ से है, जहां नगरों को स्वच्छ बनाने के लिए लोगों को जागरूक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग न देने पर जुर्माना लगेगा। बता दें 4 मार्च से डोर टू डोर अभियान का तीसरा चरण शुरू होगा। बता दें जुर्माना अलग अलग श्रेणियों में 50 से 2000 तक रखा गया है। प्रदेश भर में 1 फरवरी से एक बड़ा व्यापक अभियान चला, ये सोर्स सेग्रीगेशन डोर टू डोर दस्तक अभियान स्वच्छ भारत मिशन नगरीय उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है। इस अभियान में 3 चरण थे और पहला चरण जो था वो प्रे का चरण था, दूसरा चरण परसुएट करने का चरण था और तृतीय चरण जो था वो पेनाल्टी इम्पोजिशन का चरण है। जहाँ सोर्स सेग्रीगेशन अब नहीं देखने को मिलेगा, वहाँ नगरीय निकायों के माध्यम से पेनाल्टी इम्पोजिशन किया जाएगा। ये पेनाल्टी 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की पेनाल्टी
जो है वो इम्पोज की जाएगी। तो मेरा सभी प्रदेशवासियों से, सभी नागरिकों से ये अपील है कि सोर्स सेग्रीगेशन की जो कवायद है इसमें अपनी जो भूमिका है उसको जरूर निभाएं। नहीं, लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित रेवती लॉन में सोमवार को 3 दिवसीय रोजगार संगम का उद्घाटन करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य के आईटीआई कॉलेजों के साथ टाटा ने 5,000 करोड़ का एमओयू साइन किया है। हम युवाओं को तकनीकी कौशल से युक्त करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी सीमित होती है, यदि हुनर का विकास हो जाए तो अपार संभावनाएं हैं। वहीं विधायक डॉक्टर नीरज बोरा ने कहा कि हमारी सरकार बेरोजगारी भत्ता न देकर युवाओं को हुनरमंद बना रही है और सरकार नौजवानों को लेकर गंभीर है। आज यहाँ पर रोजगार मेला रोजगार संगम के नाम से आयोजित किया गया है और इस रोजगार मेले में लगभग 60 से अधिक कंपनियां आई हुई हैं भारत के विभिन्न क्षेत्रों से और उत्तर प्रदेश के मंत्री माननीय श्री कपिल देव अग्रवाल जी ने, जो व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के मंत्री हैं, उन्होंने आकर यहां पर इस मेले का उद्घाटन किया और यहां पर सभी नौजवानों और नवयुवतियों के लिए उत्साहजनक क्या कहते हैं नौकरियाँ हैं। लगभग 6,900 नौकरियों के साथ यहाँ पर कंपनियाँ आई हैं और प्रयास भी किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ये मेरे समूह का नाम हरी स्वयं सहायता समूह है, जिसके माध्यम से हस्तशिल्प पे हम लोग काम करते हैं। मैक्रम और डोरी और जूट वर्क पे हम लोगों का काम होता है और इसके माध्यम से हम लोग फ्री हैंडीक्राफ्ट क्लासेस रन करते हैं, जिसमें मिनिमम 6 मंथ तक हम फ्री ट्रेनिंग देते हैं विद प्रोडक्ट। उसके बाद उनको प्रशिक्षित करने के बाद उनको हम लोग रोजगार से जोड़ते हैं। जितने प्रोडक्ट हैं वो डूडा के माध्यम से हम लोग के फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ॉन पे ऑलरेडी रन हो रहे हैं। इसके अलावा हम लोग एग्जीबिशंस वगैरह में या जो भी हम लोग के पर्सनल नोट है उस पर हम लोग सेल करते हैं। जो प्रोडक्ट जिस महिला के द्वारा बना हुआ है उसका बेनिफिट उसको दिया जाता है, रोजगार से उसको जोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। यहाँ टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, दोनों तरह की वैकेंसी है। कितने रुपए आपके यहाँ तनख्वाह सैलरी है लोगों की? 9,000 बेसिक सैलरी है, प्लस उसके बाद हम लोग रिकमेंडेशन देते हैं, फ्री 3 महीने रहने की व्यवस्था देते हैं, प्लस कमीशन है, प्लस पेट्रोल है, कन्वेंस चार्ज है, सारी चीज़ें हैं। ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को फील्ड के लिए, मार्केटिंग के लिए, सेल्स के लिए और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देते हैं। आर ओ बनाने के लिए कैसे आर ओ बनता है, क्या है, पूरा ट्रेंड करते हैं। सर मेरा अभी फाइनल नहीं था, सेकेंड ईयर था, थर्ड ईयर में पहुंचा हूं। मेरे को 2 जगह मिला है, एक तो लावा में मिला है और एक आपके ट्रैवल एंड टूल्स जो है आपकी जो होती हैं, जो हॉलीडे प्लान करती हैं एज अ कपल, एज जो है जो ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर जो भी ब्रदर इन लॉ को जो भी लेके जाना चाहते हैं। तो मेरे को 2 जगह रोज़गार मिला है सर। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से यहाँ पर रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है इससे लाभ मिल रहा लोगों को? बिल्कुल सर, देख सकते हैं इसमें लाखों की 50 कंपनियाँ आई थी। एलटी में भी मेरे को हुआ है लेकिन एलटी में मेरा फाइनल नहीं है अभी, एलटी में आफ्टर होली वो कन्फर्मेशन करेंगे सर। तो मेरा 3 जगह आज हुआ है और मैं युवा मोर्चा का मैं मंडल पदाधिकारी हूँ, मंडल मंत्री हूँ सर। और युवाओं के लिए यहाँ पे जैसे कि देखा जा रहा है लाखों रोजगार हैं। अभी 3 दिन ये चलेगा, 3 दिन का है कार्यक्रम और यहाँ पे आज एलटी आई थी फाइनेंशियल की 2। खबर लखनऊ से है जहां कल से आईएचएम लखनऊ में वार्षिक कॉलेज फेस्ट कॉनकॉर्डिया 2023 का आयोजन। 3 साल के बाद आईएचएम कॉलेज में कॉनकॉर्डिया 2023 का भव्य आयोजन किया जा रहा है। बता दें इस कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्रों द्वारा तरह तरह के आयोजन किए जाएंगे। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम के दास ने प्राइम टीवी को जानकारी देते हुए कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के तहत लखनऊ के अलीगंज स्थित आईएचएम कॉलेज में कॉनकॉर्डिया 2023 का आयोजन किया जा रहा है। हरदोई में जमीनी विवाद में पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर एक परिवार की जमकर पिटाई कर दी है, जिसमें 4 महीने की बच्ची समेत 4 महिलाएं बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिन्हें हरदोई के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। एसएसपी दुर्गेश सिंह ने बताया कि 2 पक्षों के विवाद चल रहा था, जिनमें एक पक्ष ने उक्त जमीन पर छप्पर डालने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों पक्षों ने ईंट पत्थर चलाए। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस के ऊपर भी पत्थर मारने लगे। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। इसके 2 अन्य मुकदमे भी लिखे गए हैं। ये कस्बा अरपालपुर में राम अवतार और राम किशोर कुशवाहा है। इन दोनों लोगों के मध्य जमीन का लेकर विवाद है, जिसमें पूर्व से ही निरोधात्मक कार्रवाई और 145 CRPC की रिपोर्ट
SDM सवाईपुर क्या विचाराधीन है, इसी बात को लेके राम किशोर और उनके परिवार के लोगों ने जो विवादित जमीन है उस पर कल शाम को चप्पर डालने का प्रयास किया, जिसकी सूचना पे पुलिस पहुंची। इस मध्य दोनों पक्षों में पथराव हुआ, पुलिस में भी पथराव हुआ। इसके संबंध में दो मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, एक पुलिस की तरफ से पंजीकृत किया गया है सरकारी कार्य में बाधा का, और दूसरा मुकदमा अजय कुमार कुशवाहा की तरफ से पंजीकृत किया गया है। तीसरा एक तहरीर इन लोगों के द्वारा भी दिया जा रहा है रामकिशोर आदि की तरफ से, इसको भी जांच करके दर्ज किया जाएगा। संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने विकासखंड बहजोई के ग्राम अर्जुनपुर खुर्द के प्राथमिक विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा उपस्थिति रजिस्टर एवं MDM रजिस्टर को चेक किया गया और बच्चों की उपस्थिति कम पाए जाने एवं विद्यालय में साफ सफाई की व्यवस्था खराब पाए जाने और विद्यालय में शौचालय एवं पानी की भी व्यवस्था भी उचित न मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की है। इस मौके पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। खबर गोंडा से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार अवैध निर्माण और भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के लिए संकल्पित हैं, तो वहीं जनपद गोंडा में अनियमित तरीके से कॉमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण होता नजर आ रहा है। यहां तक कि नजल की भूमि को भी बख्शा नहीं जा रहा है। जो निर्माण के लिए ध्वस्तीकरण का आदेश था उसमें RBO एक्ट की धारा 10 के अनुसार प्रपत्र गा जारी होता है, जिसमें कि जो निर्माणकर्ता होता है उसको 1 महीने का समय दिया जाता है कि वो अपने आप अपना निर्माण ध्वस्त कर ले। उस 1 महीने के बाद अगर वो नहीं करता है तब फिर प्रशासन द्वारा उसको नियमानुसार गिराया जाता है। खबर सहारनपुर से है, जहां दिल्ली यमुनोत्री मार्ग पर नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें अवैध रूप से अतिक्रमण को सड़क से हटाया गया था। वहीं अब एक बार फिर से नेशनल हाईवे पर सड़क नाले के बराबर में दुकान का निर्माण हो रहा है, जिसमें सड़क के किनारे रखे ईंटें निर्माण के लिए जाम लगने का बड़ा कारण बन रही है। बता दें, इससे लोगों को आने जाने में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अलीगढ़ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जहां गैंगस्टर भूपेंद्र सिंह के करीब 42 लाख से अधिक कीमत की संपत्ति को जब्त किया गया है। दरअसल आपराधिक कृत्यों से अर्जित संपत्ति को जब्त किया गया है। उक्त संपत्ति पर प्रशासनिक बोर्ड लगाकर पुलिस ने अनाउंसमेंट किया है। बता दें कि गांधी पार्क थाना इलाके के सिंधौली का है पूरा मामला। ये 14(1) अधिनियम जो गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत होता है, इसके तहत इनकी लगभग 42,64,110 रुपये की जो संपत्ति है इनकी, जो सिंधौली गांधी पार्क में के रहने वाले हैं और जो इससे संबंधित गाटा संख्या है, उस संपत्ति को आदेश अनुसार जिलाधिकारी सीज किया गया है। इनका आपराधिक इतिहास रहा है और पिछले वर्ष इनका RTO पर हमलावर होने की भी शिकायतें आई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। और सरकार की मंशा, शासन की मंशा, पुलिस मुख्यालय की मंशा अनुसार जितने भी आपराधिक किस्म के लोग हैं सबके विरुद्ध निरंतर इस तरह की कार्रवाइयां जारी हैं और आगे भी जारी रहेंगी। काटा संख्या। खबर हरदोई से है, नगर के मोहल्ला राधानगर निवासी एक महिला ने अपने पति के चचेरे भाइयों पर धोखाधड़ी करके बैंक से रुपए निकाल लेने का आरोप लगाया है। वहीं महिला ने SP से मिलकर मामले की शिकायत की है और पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मेरे साथ मेरे पति के चचेरे भाई ने ही फ्रॉड किया। उन्होंने अपने मकान पर कहा कि हम लोन निकलवा रहे हैं और उन्होंने मेरे ही नाम लोन निकलवा लिया, मुझे बताया भी नहीं। जब मैं स्कूटी लेने गई अपनी फाइनेंस करवाने के लिए 2021 में, तब मुझे पता चला, जब मैंने उनसे पूछा जाकर के कि मेरा सिविल डिस्टर्ब क्यों दिखा रहा है, स्कूटी नहीं निकल पा रही मेरी, तो उन्होंने कहा हाँ, जो आधार कार्ड पैन कार्ड लगा था वो इसीलिए मैंने लगाया था। तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा करके और मुझे बद्दी गालियां देकर के सर निकाल भी दिया अपने घर से। कहने मैं कुछ लोन नहीं भर पाऊंगा। फिर पारिवारिक दबाव का कारण उन्होंने उसमें 45,000 रुपये डाले तो मेरे जाली सिग्नेचर बना करके निकाल लिए, परिवार से कहा कि यहाँ पैसे जमा है। खबर गाजियाबाद से, जहां नाले में शव पड़ा मिला है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की है। छानबीन में पता चला कि युवक मेडिकल स्टोर से दवाई लेने निकला था लेकिन घर नहीं लौटा। बता दें कि मृतक युवक के पिता ने किसी भी प्रकार के रंजिश से साफ इनकार किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। क्या नाम है इनका? सोहेल। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं?
कितने दिन से लापता थे? 22 तारीख से। आपके क्या रिश्ते में क्या लगते थे? बेटा है। कितनी उम्र है इनकी? 20 साल। तो इनकी गुमशुदगी लिखवाई थी कुछ? लिखी हुई थी। किसी पर शक वगैरह कोई? शक तो हमारे सामने कोई लड़ाई नहीं हुई है, बाहर हुई तो हुई है, लेकिन हमारे घर के वहाँ नहीं। फरवरी 2023 को गाजियाबाद पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव नाले में पड़ा हुआ मिला है, जिसका तत्काल ही पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया और उस व्यक्ति की पहचान सोहेल के रूप में हुई है, जो कि मोदी नगर के कादराबाद का रहने वाला है। और इसके संबंध में 23 फरवरी को थाना मोदी नगर में इस व्यक्ति की गुमशुदगी की सूचना दर्ज की गई थी और परिजनों का कहना है कि ये 22 तारीख की रात्रि में दवा लेने के लिए निकला था और तब से लौट कर नहीं आया था। और इसमें शव का को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाए। कुशीनगर में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, जहां पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में और अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तमकुही राज जितेंद्र कुमार कालरा के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया गया, जहां हत्या के आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। मामले में पुलिस ने महिला सहित 2 हत्यारोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर मामले की कार्यवाही में जुट गई है। ये घटना 13 फरवरी 2023 की है, जिसमें कि एक मुन्ना मदेसिया नाम के व्यक्ति की हत्या कर गन्ने के खेत में डाल दिया गया था। इसी के सफल अनावरण के लिए हत्याकर की अज्ञात थी, उसके सफल अनावरण के लिए थाना अध्यक्ष तुर्कपट्टी और स्वाट टीम और सर्वलांस टीम ने संयुक्त रूप से इसके अनावरण के लिए अथक प्रयास करते हुए जब नज़दीकी कॉल डिटेल और पूछताछ की गई उसकी पत्नी से, तो उसने ये स्वीकार किया कि ये मेरे अवैध संबंध उसके समधी जो मृतक है उसके समधी से उसके संबंध थे, जिसका नाम हौसला प्रसाद है, वो गोपालगंज का रहने वाला है। और मृतक की बिटिया की शादी हौसला प्रसाद के बेटे से हुई थी। हौसला प्रसाद की पत्नी भी पिछले 4 साल से उसका भी देहांत हो गया था। जो मृतक है वो 4 दिन पहले ही ओमान से आया था और क्योंकि उसको कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया था कि पत्नी का संबंध है और उसी बीच से उसको रास्ते से हटाने के लिए दोनों ने समधी और समधन ने मिलकर के उसकी हत्या कारित की है। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना गंगीरी इलाके के गांव मलसई में ग्रामीणों के बीच उस वक्त तनावपूर्ण माहौल हो गया जब रविवार को सालों पुराने प्राचीन हनुमान मंदिर में पहुंचकर अराजक तत्वों ने क्षेत्र का माहौल खराब करने को लेकर प्राचीन हनुमान मंदिर के अंदर रखी हनुमान जी की मूर्ति के साथ राम दरबार में लगी सभी मूर्तियों को खंडित करते हुए तोड़ दिया। मंदिर की मूर्तियां खंडित करने के बाद असामाजिक तत्व मौके से फरार हो गए। सुबह होने पर जब ग्रामीण मंदिर में पूजा करने के लिए पहुंचे तो हनुमान मंदिर के अंदर राम दरबार में लगी मूर्तियों के साथ हनुमान जी की मूर्तियां टूटी हुई पड़ी थी, जिसके बाद प्राचीन हनुमान मंदिर की मूर्तियां तोड़े जाने से आक्रोशित लोगों ने मंदिर में घुसकर मूर्ति तोड़ने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। मंदिर में मूर्तियां तोड़े जाने और हंगामे की सूचना पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में पुलिस मौके पर पहुंच गई और गुस्साए लोगों की मंदिर की तोड़ी गई मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां बाजार से लाकर रखवाने का आश्वासन देते हुए मामले को शांत कराया। साथ ही मंदिर के पुजारी से देर रात एक ग्रामीण के साथ हुए वाद विवाद को लेकर उस ग्रामीण को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई है। गहनता से जांच में ज्ञात हुआ कि गांव का ही एक रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम उमेश है, उसका रात ही में मंदिर के पुजारी के साथ एक मामूली बात को लेकर के वाद विवाद हुआ, जिस कारण रोष में आकर के उसने मूर्तियों को क्षति पहुंचाई है। उक्त उमेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। तहरीर प्राप्त कर थाना गंगीरी में अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है और मौके पर पूर्णतः शांति व्यवस्था कायम। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।